नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुख करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में हुई चूक को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में हुई चूक के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और ये सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली शामिल रहे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को जांच करने दी जाए। फिर सीजेआई ने कहा है कि राज्य और केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दे। हम ये बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों कमेटियों को ये सूचित कर दिया जाए कि केंद्र और पंजाब सरकार की जांच कमेटी सोमवार को होने वाली सुनवाई तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा जानिए। राज्य और केंद्र दोनों को क्यों ना जांच करने दी जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और मामले में निष्पक्ष जांच कमेटी पर सॉलिसिटर जनरल से सवाल भी किए गए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए। पंजाब सरकार, पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियां रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी भी बनाया है और पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं और ये मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित नहीं है। पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर हुई चूक की घटना के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। पंजाब सरकार ने सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गुरुवार को 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और आपको ये बता दें कि पंजाब में बुधवार को प्रदर्शनकारियों की ओर से नाकेबंदी करने के कारण पीएम का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रह गया था और इसके बाद वो एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना ही पंजाब से दिल्ली लौट गए थे। और पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। फिरोजपुर में हुई इस घटनाक्रम को लेकर प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से वीडियो जारी कर पीएम को रोके जाने पर खुशी जाहिर की है। इस संगठन की भूमिका पर बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। एसएफजे के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे सिखों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भारतीय हुकूमत सुन ले, अज 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम उदो शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नू छड़ के दिल्ली वापस पहुंच गए ते खंडे ते केसरी वालिया ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पजा दिता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने किया है और मोदी ते देश सुन ले, इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दित्ती। तुसी अज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी पर पंजाब ने शांतमई ढंग नाल मोड़िया। खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम चलेगी ते जेड़ी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वह कांग्रेस चन्नी है, चाहे वह सिद्धू है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे यह झाड़ू वाले है, जेड़ा केसरी दे खिलाफ खड़िया ओदे ते खंडे दी मोर लगेगी ते तिरंगे वाले जानगे दिल्ली।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मौन व्रत के बाद में हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ हैं, आप लोग यहां पर मौन व्रत कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि कांग्रेस को गांधी जी सद्बुद्धि दें, गांधी जी हिंसा हिंसा के कहीं ना कहीं विरोधी थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा चाहते थे, लेकिन उनका नाम उपयोग कर ये गांधी खानदान लगातार 84 के दंगों के अंदर सिखों पे कत्लाम मचाने का काम किया, दरबार साहब पे बम गोले फेंक कर वहाँ पे उनका दरबार साहब का अपमान किया और आगे बेअदबी के काम बहुत किए हैं। इन्होंने इनके समय पे किसान आंदोलन हुआ था, आज किसान आंदोलन हुआ है, देश के प्रधानमंत्री माफ़ी भी मांगते हैं, उनके विकास के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। इनके समय में किसान आंदोलन गोलियां चलाने का हम काम किया, इन्हें गऊ भक्तों पे गोलियां चलाने का काम, इसलिए ये हमेशा हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पंजाब में मोदी जी का जनाधार बढ़ गया था, प्रधानमंत्री वहां पर एक बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे थे, जिससे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब आगे बढ़ने वाला था, हमने नशाखोरी मुक्त पंजाब देना था, और लगातार 5 साल से करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण और 84 के दंगों को सजा देना, जबकि केंद्र में राज्य में कांग्रेस की सरकार रही है, जब उन्होंने कभी 84 के दंगों को सजा नहीं दी, बेअदबी वालों को सजा नहीं दी, इसके लिए पंजाब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, एक षड्यंत्र रचा गया, जैसे इन्होंने दोनों प्रधानमंत्री अपने शिकार करवाए हैं, ऐसे ही वर्तमान प्रधानमंत्री जो जनमानस के दिलों में बसता है उसको भी शिकार करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, हमारी मांगे हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा, जो भी मांगोगी हम वैसे वैसे कार्य करेंगे, और हमारी मांग है कि ये कांग्रेस जब जब राज से जाती है अराजक हो जाती है और देश अराजकता को बर्दाश्त नहीं करता। देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे हैं दुष्यंत गौतम जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी जवाबदेही किसी न किसी को तय करना जरूरी है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। पीएम सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी तेज है, और इसी क्रम में पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बड़ी चालाकी से मामले को डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या केवल पंजाब पुलिस तक ही सीमित है, क्या इसमें आईबी की कोई भी भूमिका नहीं है? सिद्धू ने कहा कि जब से ये प्लान ही नहीं था कि पीएम सड़क मार्ग से जाएंगे, तो ये प्लान कब और कैसे बदला? इसी के साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं कर रही है, किसानों को एक साल तक आतंकवादी खालिस्तानी का नाम दिया गया और किसानों को आंदोलनजीवी तक कहा गया, पंजाब में 60% किसान इनके विरोध में खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे उनको जान का खतरा हो। नेशनल मुद्दा, प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है, दिस इज अ बिग फार्स। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का बयान सामने आया है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब और पंजाबियत का अपमान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री पंजाब में आए थे और उन्हें रोका गया था, उनकी सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ किया गया था, उन्हें उस रास्ते से लाया गया जहाँ कांग्रेस की ओर से समर्थित गुंडा तत्व बैठे हुए थे। और पंजाबियत
अपमान उस दिन ही हो गया जिस दिन प्रधानमंत्री जी पंजाब च आए और उन्हां दे रस्ते नूं रोकिया गया, सुरक्षा दे नाल खिलवाड़ कीता गया और उस रस्ते तो उन्हां नूं लिआंदा गया जिथे तथाकथित गुंडा तत्व कांग्रेस द्वारा प्रायोजित करके सड़कां ते बिठाए गए सी। पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहीं एक्टर सोनू सूद को पंजाब चुनाव के आइकॉन के पद से हटाया गया है। ये फैसला भारतीय चुनाव आयोग ने किया है। आपको बता दें कि अपनी बहन के लिए सोनू सूद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। तो एक्टर सोनू सूद अपनी बहन के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं जिसके बाद उन्हें चुनाव आइकॉन से हटा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार की निंदा की है। इस मामले में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के नुमाइंदे होते हैं और उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती और पीएम मोदी देश के सबसे लोकप्रिय पीएम हैं। उन्होंने देश की उन पुरानी समस्याओं का समाधान किया है जिसमें पूर्व के प्रधानमंत्री हाथ लगाने से डरते थे और इसके साथ ही मनोहर लाल ने पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय का जाप और यज्ञ करवाया। तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर सीएम ने कहा कि हमने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर ली है कि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी, तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूँ और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए जरूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे। हमने आपको पता है 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूँ हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा लेकिन समय आने पर मुझे लगता है वो भी कराएंगे, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कुल आंकड़ा इस समय मैं आपको बताता हूँ कि 65,78,311 परिवार हैं और 2,57,99,000 अर्थात 2,58,00,000 की जनसंख्या उसमें अंकित है। और जो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूँ तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें 1,72,96,000 हैं अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है। अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है। सौर ऊर्जा पर ध्यान किया जा रहा है, सौर ऊर्जा पिछले 5 वर्ष से ही हम इसको इसमें गति जो दे रहे हैं धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। 2014 तक केवल मात्र 492 कनेक्शन सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल्स के थे और आज 25,500 कनेक्शंस तो दिए जा चुके हैं और 13,800 पर काम चल रहा है। ऐसे लगभग ये 39,000-40,000 कनेक्शन अभी हो जाएंगे
टारगेट हमारा 50,000 का है कि 50,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए। 10 मेगावाट, 5 आर्स पावर, 10 आर्स पावर, इस लेवल के ही कनेक्शन होंगे ताकि उनको बिजली का कनेक्शन ना लेना पड़े और दिन के समय पावर वो अपनी सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी ट्यूबवेल को, जिनकी छोटी खेती है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है और पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा है, ऐसे सारे क्षेत्र में इन लोगों ने जो लेने की शुरुआत की है, एक बहुत अच्छा एक पग है और बहुत आगे हम बढ़। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।